सारे जुए को बोला एक बार भैया कॉल उठा के बोल दो कि ऐसा ऐसा सीन है, उसने मेरे को कोई गंदा फोटो नहीं भेजा था। मेरे बात मान लिया, भैया ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं भेजा, बस नॉर्मली फोटो था, ओपन फोटो नहीं भेजा था कुछ भी। तो ये सब होने का बाद वो लड़की बोलती है मेरे को उसको नहीं छोड़ना, तो मेरा सिचुएशन समझो, मैं उसका साथी रहूंगी, मैं सबको छोड़ दूंगी, मैं किसी से बात उत नहीं करूंगी। अरे भाग, ठीक है मैं तब तक ठीक है बोली, और मेरे को दिया था उसका आईडी, पहले पहले दिया था आईडी। तो मैं उस बीच, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा था कि उसका बंदा कुछ तो करेगा, क्योंकि उसका बंदा मेरे को गाली दे रहा था। तो मैंने उसका आईडी पहले ईमेल सिक्योर मारा, फिर उसके बाद उसका ट्विटर सिक्योर मारा, ठीक है। फिर उधर से धमकी जाता है, तेरा करके वो यूसी डालता है, ये करता है, वो करता है, बस ऐसा बोलता है। मैंने चुपचाप कर बता कि मैंने उसका आईडी सिक्योर कर लिया था। फिर उसको धमकी दिया कि फोटो है ना सारा वायरल करूंगा, गंदा का फोटो लगा के, ऐसा धमकी दिया। मैं बोली उसको जो करना है करने बोलो, और जो जो बोला है ना उसके स्क्रीनशॉट दो, मैं साइबर सेल में कंप्लेन करूंगी। तो साइबर सेल वाला वो कंप्लेन डाल के मैं स्क्रीनशॉट लेके रोज को भी भेजा, उसको भी भेजी, ठीक है। और रोज का फोन से वो हैक करके बात कर रहा था मेरे को, ठीक है। मतलब वो बोलता है तुम उसका कुछ नहीं कर सकोगी, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसका पुलिस का साथ उठना बैठना है, सब बोल रहा था मेरे को। मैं बोली लंड उठना बैठना है, तेरे को जो करना है कर ले, अब तू भी फंसेगी, तेरा बंदा भी फंसेगा, तू देख अब क्या होता है, चूत दिखा के सबको स्कैम मारती है ना। तेरा आईडी भी जाएगा, तेरा इज्जत भी जाएगा, तू कहाँ रहती है सब कुछ है मेरे पास, अब तो मैं दूंगी। फिर से ना कॉल किया ना कुछ किया, सारे के सारे ब्लॉक करके चला गया। नहीं, वो लड़की की क्या, मतलब लड़की ने क्या किया था वो समझ अरे नहीं। लड़की भी तो स्कैमर थी, वही तो बंदा ढूंढ ढूंढ के लाके देती थी। ये सब चार बंदों का काम था, दो लड़की दो लड़का। मतलब तेरा रियल आईडी स्कैम मारने का मतलब उठाई दे अभिमान हाँ, उसी साहब ने से एक बोल। एक महीने का बैन लगाया था उसने, लेकिन वो चूतिया को ये नहीं पता मेरा जीमेल अलग है और ट्विटर वाला जीमेल भी अलग है, दो तो लॉगिन अलग अलग है, और इस लोग का लॉगिन एक ही था। तूने फिरोज को दिया था लॉगिन? मैंने अपने आईडी का लॉगिन उसका बंदा को दिया था रैंक पुश करने के लिए। अबे तुम मत दे बे, क्यों क्या दे रही रियल करने आईडी किसी को भी? कहा का रैंक पुश करने के लिए दी थी मुझे। हेलो, ले रियल आईडी का रैंक पुश के लिए दे रही है? नेटवर्क किसी को तेरा मत दे, एक बार हेलीकॉप्टर ले गए, दूसरी बार भी अभी हो जाता कुछ तो कान फ्री करते मैं अभी। वही बोलने वाला था। 3 महीने में 2 बार आईडी जाने वाला काम करता था ना वो, कॉल किया था उसको डायरेक्टली, फोन नंबर निकित फोन नंबर दे, मैं कॉल करता हूँ, तो मैंने फोन नंबर दिया और डायरेक्टली कॉल किया उसको, कॉल वॉल करके लिया अच्छे से। फिर बोलते सॉरी भैया सॉरी, पहले तो बहुत बड़ा बड़ा बात किया, ठीक है। फिर जब उसको पता चला कि ये भैया भी पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ऐसी ऐसी मतलब कुत्ता नहीं होता डंडा देख के दुम गांड का नीचे दबाता, इस तरह हो गया। ये बाप रे, प्रेम को बोला था आईडी दे देने, बोला है प्रेम, बोला आईडी और नहीं फिर वो भी दूंगी, दूंगा लड़की मैं। सीजन 12 में हाँ कॉन्करर भाई हमसे ना हो पाती है, बट लड़के लड़के को मतलब पता हेलो, नहीं कैन उसके यू गिव मी दिमाग सम शेड? जॉइन ऐसे मी, कुछ, बट चल रहा था इसमें उन ना दोनों बहुत का। अच्छा अच्छा इमोट है। हाँ चल रहा था, 2-3 में ही चल रहा था। फोटो भेजा ना उसने भी, तो उसका ही था। फिर वीडियो कॉल किया। अरे वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल मेरे को भी किया था, मैंने भी देखा है उसका शक्ल। चूतिया लड़की भाई, और एक बात सुनो, कहानी तो यहाँ तो ट्विस्ट है, 5 साल का बच्चा भी था, अरे आप बाप रोज का लड़का बच्चा। हाँ बाप और रे, उसको देख के नहीं मानसा लगेगा, ये तो उसको मुस्कान देख के वाला नहीं सीन लगेगा हो उतना एज गया है, है। वही तो, उसका ये तो इतना मुस्कान एज हो गया। है, उसको देख के नहीं लगता, और वो भी आसाम से। अबे यार ये आसाम लोग कब कभी भरोसा नहीं करते, जान से काट के चले जाएंगे कभी नहीं। ये वाईटी भैया रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं करना।
से बात करती। मैं बोली रोज से, मतलब रोज के बारे में मैं घर पे भी बताई थी, ऐसा ऐसा सीन है। ओए भाई, बोल रही कि ठीक है, मम्मी बोली ठीक है कॉल पे रख रख दे, क्या होता है देखते रह। होता है, मैं तो भाई उसका अंदर मैं तो इस तरह लग रहा था मेरे को, जिंदगी में पहली बार ऐसा ऐसा चीज देखी और लड़की 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में अगले वाले मैंने। बंदे को सब वीडियो कॉल तीन करके दिन में कौन भाई, इतना ट्रस्ट है कि रेडी रेडी तीन रेडी दिन रेडी प्ले। बकवास बात नहीं सुननी भाई, कोई लड़की ऐसी हो हमको रेडी, हम लोग मजा अरे क्यों करें। छोड़ थोड़ा फोटो भेजूंगी ठीक है, ए नहीं, ठीक है देख, जो है मैं तो लड़की की भेजूंगी, बुद्धि। आपको क्या, आपको क्या, लड़की का मैटर है भाई। तुम व्हाट्सएप पे करो, क्या करना है, इंस्टा मेरे पास है उसका। मैं आपको भेज दूंगी ठीक हे है। अरे कोई भट, ना, आज सुनना सुनना, नहीं भैया यहाँ पे नहीं बोल सकती मैं। मैं उसका मिश्रा देख को के पता भेज चलता उसका शा वो शादीशुदा है, दूंगा उसका देख के ही पता चलता शादीशुदा है। ये तो सही बात बोली है। मिश्रा को। ची ची क्या हुआ? क्या हो गया? अरे मैं शादीशुदा नहीं, लड़की देखने से पता नहीं चलेगा। अबे रहने दे, जा ए, नहीं, बोलूंगी। मेरे को फोटो पहले वहां से निकालना रहा होगा। ए, गेम स्टार्ट करो, ये फोटो पहले निकालना होगा वहां से। मैं हाइड करके रखी, फोटो भी मिल गया मेरे को, पता है इतना ढूंढा क्या मैंने। क्या मेरे फोटो को रखे बदनाम तुम, करेगा तो कैसे मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगी, फोटो मैं भी रखे? वायरल नहीं करूंगी, बताओ। मैं भी फोटो वायरल कर दूंगी, उसका भी करूंगी, उसका बॉयफ्रेंड का भी करूंगी साथ में। ये इसका साथ ये करता है, वो करता है, धंधा करता है। मैं भी छोड़ रही चुतिया लड़की की, देख मेरे को देखते ही समझ आ गया। जो लड़की मतलब बहुत कितना लगा आईडी करती है स्कैम किया ना। ये वाला, और उसके बंदे का भी किया है डैनिश। अरे सुन, एक महीने का बैन डायरेक्ट कोई कभी नहीं लगता ठीक है। अगर मैंने हैक यूज किया हैकर्स के साथ खेला ना, तो मेरे को पहले 7 दिन का बैन देगा या फिर 1 घंटे का, इस तरह बैन देगा। डायरेक्ट 1 महीना बैन कभी नहीं देता। 1 महीना बैन तभी देता है जब कोई आईडी लेने का कोशिश करता है ना, बैन लगाता है ना, वो लोग लगाते हैं। जब नेक मम्मी तेरे हाँ को हुआ हाँ तब भी ये कौन हुआ। कटर हो गया उसका नाम से हुआ। अरे भाई कौन बोला, वॉइस थैंक वॉइस चेंजर है भाई, वो वॉइस यू। वॉइस वॉइस। नहीं मैं चेंजर, वॉइस चेंजर यूज नहीं करती ब्रो। हर चीज का वॉइस आईफोन चेंजर ही में होती है वॉइस क्या? चेंजर नहीं होता, आईफोन में वॉइस चेंजर नहीं होता।